नमस्कार दोस्तों, मैं जनपद सदस्य हूँ इस क्षेत्र का। सिरगिटी क्षेत्र नागपुरा पड़ता है। जनपद सदस्य नागपुरा का। मेरा ब्लॉक बिल्हा पड़ता है। मैं अभी अपने ऑफिस जा रहा था बिल्हा ब्लॉक, तभी मैं एक सज्जन व्यक्ति को रास्ते पे देखा हूँ। वो बता रहे हैं कि वो बिलासपुर गांधी चौक से पैदल रायपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। आइए हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनकी मांगे क्या है, वो क्या चाहते क्या हैं, वो किस लिए मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अभी वो बिलासपुर से निकले हैं और अभी वो सिरगिट्टी नागपुरा पहुँचे हुए हैं। मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने कहा कि आइए मैं आपको बिल्हा तक ले जाता हूँ, बाइक में मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊँगा, मैं मुख्यमंत्री निवास तक पैदल ही मुझे जाना है। तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार महोदय, आपका नाम क्या है? संजय आयल सिंघानी। तो सर, आप बताएंगे कि आप ये मुख्यमंत्री निवास अब पैदल जा रहे हैं, जहाँ तक आप मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे लिख रहे हैं गांधी चौक से निकले हुए हैं पद यात्रा में जी। तो आप क्या करने के लिए जा रहे हैं सर? जी, मुख्यमंत्री निवास में जा रहा हूँ, जो उन्होंने वादा किया था उन शराबबंदी का छत्तीसगढ़ में। अच्छा, उन मुद्दों को लेकर। अच्छा, उन मुद्दों के लिए। तो वहाँ लगभग आप कितने दिन में पहुँच जाएंगे मुख्यमंत्री निवास? मैं आज जैसे 28 तारीख को निकला हूँ, 7 तारीख तक के पहुँचने का है। 7 तारीख तक? तो मैंने ये रूट इस कारण चुना है कि इस रूट से गांव पड़ेंगे। अच्छा, गांव के लोगों को जागरूक भी करना है। गांव के लोगों को जागरूक करना है ताकि वो सरकार तक के बात पहुंचाए, उनको उनका वादा याद दिलाए। अच्छा, अब मतलब दिनों में जो वादा पूरा करने का उन्होंने वादा किया था। ठीक, आज 2.5 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हुआ। भरे करोना काल में लोगों की दुकानें बंद रही, लेकिन सरकार अपनी ऑनलाइन बिक्री चालू रही। तो आप अपने माध्यम से लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आपका बहुत अच्छा पहल है, मैं आपकी इस पहल से बहुत खुश हूं और पूरे देशवासी, पूरे प्रदेशवासी आपके इस कार्य से मुझे लगता है बहुत ही खुश होंगे। मैं खुद बहुत खुश हूं आपको इस पैदल देखते हुए। और आप यहाँ से मतलब आप ये वाली रूट चुने हैं, ग्रामीण रूट चुने हैं रायपुर जाने के लिए, तो आप यहाँ नागपुरा होते हुए किधर से जाएंगे? रायपुर नागपुरा होते हुए आपका कलार से ऐसे अपना चकरभाटा से बिल्हा चकरभाटा सीधा रास्ता पकड़ के मेन रोड से जाएंगे आप? नहीं, हाई रोड से नहीं, गाँव की तरफ से अंदर ही अंदर। अच्छा, गाँव तरफ। अच्छा, तो सर अगर आप मैं आगे तक जा रहा हूँ बिल्हा तक, अगर आप बोले छोड़ देता हूँ आगे तक? नहीं, मेरा एक संकल्प है, मैं पैदल ही चलूँगा और वो भी बिना चप्पल के। अच्छा, बिना चप्पल के, देख लीजिए आप पैदल बिना चप्पल के महोदय। 15 दिनों से सरकार अपने वादे को पूरा करे, शराबबंदी करे। मैं आपकी इस कार्य से तो बहुत खुश हूँ। और देखिए ये जो हमारे महोदय सर जी हैं, ये पग यात्रा पूरे गांधी जी के वेश में, चश्मा पहने हुए, लाठी हाथ में पकड़े हुए हैं और बिना चप्पल के। देखो उनके पैरों में छाले भी साथ पड़ चुके हैं और पैरों में पट्टियां भी बंधी हुई हैं। और 28 जून आज से निकले हुए हैं, आज ही निकले महोदय, आज से निकले हुए हैं। 7 तारीख तक रायपुर जाएंगे। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो सज्जन रायपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास, इनका सब सपोर्ट करिए। मैं फेसबुक में ये वीडियो अपलोड करूँगा कुछ ही देर में। और पूरे प्रदेशवासी से, पूरे प्रदेशवासी की जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, इसका समर्थन मैं खुद करता हूं और मैं क्षेत्र का जनपद सदस्य हूं। और ऐसे सज्जन लोगों की आज हमें आवश्यकता है देश में, प्रदेश में, जो अकेले, इनको किसी का साथ नहीं चाहिए, अकेले खुद मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है। मैं इनको रास्ते में देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप जो संकल्प के साथ निकले हैं, रायपुर जाने के लिए, वो संकल्प पूरा होगा और हम भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन भी करता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। मैं खुद एक कांग्रेसी हूं। अच्छा, मैं खुद एक कांग्रेसी हूं। विधानसभा चुनाव के पहले 7 महीना बिना चप्पल के रहा। अच्छा, सीएम साहब ने खुद मुझे चप्पल पहना। अच्छा, सीएम जो भूपेश बघेल जी हैं, माननीय भूपेश बघेल जी, वो आपको खुद ही चप्पल पहनाए थे? पौना में उन्होंने खुद मेरे को चप्पल पहनाए। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा महोदय। और आप इसी रूट से आप जाएंगे ना चकरभाटा, या आगे थोड़ा दूर में आपको चकरभाटा पड़ेगा, फिर रायपुर आपको मेन रोड पड़ेगा, फिर पैदल पैदल रायपुर जाएंगे। पहले आपको कड़ार 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 में रुकेंगे आज। आप कड़ार आज आखिरी रहेगा? अच्छा, कड़ार आज आखिरी। कल सुबह कड़ार से चालू करके चकरभाटा होते हुए बिल्हा होते हुए रायपुर तक जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत अच्छा लगा आपका ये पग यात्रा देख के। देखो पीछे में भी लिखा है भूपेश बघेल, भूपेश सरकार वादा पूरा करो शराबबंदी। ये महोदय अपना ये पीछे और सामने दोनों तरफ लटकाए हुए हैं और पैदल चल पड़े हैं रायपुर के लिए। ऐसे लोगों की आज पूरे भारत देश को, प्रदेश को आवश्यकता है। मैं ऐसे लोगों की बहुत सराहना करता हूँ और बहुत सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।